नमस्कार मित्रों, मैं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। मथुरा से खबर है जहां सिविल लाइन स्थित जवाहर बाग का ओपन एयर थिएटर शनिवार की देर शाम को गुलजार नजर आया। छात्र छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी मन मोह लिया। दर्शकों ने भी प्रस्तुतियों पर जमकर तालियां बजाते हुए बाल कलाकारों को उत्साहवर्धन किया। जिला प्रशासन के सार्थक प्रयासों से जवाहर बाग में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ MLC ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल एवं जिलाधिकारी पुलकित खरे, SSP शैलेंद्र पांडे द्वारा संयुक्त रूप से सरस्वती माता के समीप दीप जलाकर किया गया। जवाहर बाग को मुक्त कराने गए शहीद तत्कालीन SPCT मुकुल द्विवेदी एवं SHO संतोष यादव की शहादत को याद किया गया। जिलाधिकारी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देने आए छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि मंच पर कला का प्रदर्शन करने से प्रतिभा निखरती है, आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। प्रत्येक शनिवार को यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियाँ पेश की। प्रशासन द्वारा एक नई शुरुआत, एक नई पहल करने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे ये मुक्त आकाशीय मंच बहुत समय से बना हुआ था, परंतु इसका प्रयोग नहीं हो रहा था। ये निर्णय लिया गया कि हमारे शहर में, हमारे गांव में जो कॉलेजेस हैं उसमें छात्र छात्राओं में बहुत प्रतिभा है, पर उनको एक मंच मिलना चाहिए जहाँ पे वो अपनी प्रतिभा, अपनी कला, चाहे वो नृत्य की हो, चाहे वो संगीत की हो, चाहे वो डांस ड्रामा की हो, ब्रिज की तमाम कलाकार जो अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं उनके लिए एक मंच को विकसित करा जाए। तो यही प्रयास यहाँ पर करा गया है। जवाहर बाग जो कि शहर के बीच में स्थित है उसको एक महोत्सवी रूप दिया गया है और प्रत्येक शनिवार शाम 6 से 8 यहाँ पे इसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे, जिससे हमारे स्कूली बच्चों को, हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। हमारे जो कलाकार हैं जो ब्रिज की संस्कृति पूरी देश दुनिया में दिखा सकते हैं उनके लिए भी ये मंच रहेगा, एक निशुल्क मंच रहेगा जहाँ पे लोग आके अपनी कला दिखा सकते हैं। और मैं निवेदन भी करना चाहूँगा आप सबके माध्यम से कि शहर के जो भी लोग हैं, जो भी नागरिक हैं, वो लोग भी यहाँ पे अपने परिवार के साथ आएँ शाम 6 से 8 हर शनिवार को, यहाँ पर आके अपनी कला, अपने क्षेत्र की कला को, संस्कृति को बेहतर समझें और इन बच्चों के जो परफॉर्मेंस यहाँ पे होंगे उनको सराहें। ये भी मेरा अनुरोध सभी मथुरावासियों से। आयोजन था आपने, और सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे मूल्यवान क्षणों में आपने समय निकाल करके हमारे ये जो बच्चे हैं उनका उत्साह वर्धन किया है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिला प्रशासन की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रेम देवी अग्रवाल इंटर कॉलेज के एक छात्रा है उमा शर्मा, उसने एक साझी पेंटिंग बनाई है, वो जिलाधिकारी महोदय को सबमिट करना चाहती है। प्रेम देवी अग्रवाल इंटर कॉलेज की छात्रा उमा शर्मा। मीडिया बंधुओं से मैं अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस स्थान को, इस स्थल को प्रचारित करके ये जनता के नज़रों में आ जाए। इस जो डेवलपमेंट हुआ है उसका अधिक से अधिक हमारे मथुरा के बासिंदे, मथुरा के निवासी नागरिक इसका उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत रमणीक स्थान है, बहुत बड़ा है, यहाँ टहलने के लिए और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए, प्लस यहाँ अपना कुछ समय अच्छा सुकून के लिए दोस्तों रहने के लिए ये यहाँ आए। ये मथुरा जिला प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो यहाँ डेवलपमेंट किया उसको सार्थक करें, मेरा आभार यही अनुरोध है। और बहुत सुखद अनुभूति हुई यहाँ बच्चों ने, जिस प्रकार से स्कूल के बच्चों ने जिस प्रकार से प्रस्तुत किया थी उत्साह के साथ और डेडिकेशन के साथ, बहुत ही सुंदर आयोजन रहा। मैं पूरे जिला प्रशासन को इस आयोजन के लिए भी अपना साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद।